हेलो फ्रेंड्स, मैं राजन और आप देख रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने आपको वर्नियर कैलिपर के बारे में बताया था, उसे कैसे रीडिंग लेते हैं और उसे कैसे हम क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे कैसे मेजर करते हैं। तो आज हम अपनी इस वीडियो में माइक्रोमीटर से बारे में बताएंगे। जो हमारे माइक्रोमीटर से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे, आज हम अपनी इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बताते हैं इसके पार्ट्स के बारे में, बताते हैं कि क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये क्या है हमारा, ये इसको बोलते हैं हम फ्रेम। फ्रेम पर हमारा एक थिम्बल लगा, हमारा फ्रेम का काम क्या होता है, फ्रेम में जॉब को सपोर्ट करता है। दूसरा देखिए, इस पर एक वो लगा रहा, चिट लगी रहती है, जिस पे हमारा ब्रांड, जिस कंपनी का, मोटोरोला कंपनी का बनाया हुआ है ये हमारा, तो उसका ब्रांड। और दूसरे उसके साइज़, 0 से 25 mm तक इसका साइज़ है। इसमें हम इस माइक्रोमीटर से हम 0 से 25 mm तक मेजर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर इसका लीस्ट काउंट भी लिखा हुआ है, 0.01 mm, ये इसका लीस्ट काउंट है। तो हमारा ये फ्रेम पर इसको हम दिखाया जाता है, फ्रेम पर हम इसको दिखाते हैं। तो आगे चलते हैं, देखिए ये इसको बोलते हैं हम एनविल। ये हमारा क्या है, माइक्रोमीटर की एनविल बोलते हैं। ये देखिए, ये हमारा इसको बोलते हैं हम स्प्रिंडल्स। स्प्रिंडल के बाद आगे चलते हैं, देखिए एनविल और स्प्रिंडल के बीच देखिए, ध्यान से देखिए तो आपको ये देखेगी दो अलग से एक टिप्स लगाई जाती हैं। ये हार्ड सरफेस होता है, हार्ड टिप्स लगाई जाती हैं। ये इसलिए लगाई जाती हैं क्योंकि हम बार बार किसी जॉब को मेजर करते हैं, मेजर करने के से हमारी जो सरफेस है उसमें कोई एरर ना आए, वो घिसे ना, घिसने से बचाने के लिए हम यहाँ पर कार्बाइड की टिप्स लगाते हैं। आगे चलते हैं, देखिए ये हमारा लॉक नट है। कोई भी डायमेंशन हम मेजर करते हैं, उसके बाद हम उसको लॉक कर देते हैं और फिर हम उसको देख सकते हैं। तो ये हमारा लॉकिंग नट है, इसको हमारा स्प्रिंडल लॉक कर दिया जाता है। आगे चलते हैं, ये देखिए हमारा, इसको बोलते हैं हम बैरल, बैरल या स्लीव। बैरल या स्लीव जो होती है हमारा, उसी पर हमारी मेन स्केल की डिविजन्स कटी होती है। मेन स्केल पर देखिए दो डिविजन्स होती हैं, एक ऊपर मेन डिविजन्स होती है और उसकी सब डिविजन। मेन स्केल की ही दो डिविजन्स होती हैं, एक मेन और एक सब डिविजन। ऊपर की डिविजन्स का मान होता है 1-1 mm पर कटी होती हैं और नीचे 0.5 यानी आधे mm के अंतर पर कटी होती हैं। आगे चलते हैं, ये हमारा है थ्रिम्बल, इसको बोलते हैं हम थ्रिम्बल या सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पर हमारी 50 डिविजन्स बराबर 50 बराबर भागों में कटा, 50 भाग कटे हुए होते हैं और एक भाग का मान हमारे लीस्ट काउंट के बराबर होता है, जो कि हमारा 0.01 mm है, वो हम अभी बताएंगे आपको। उसके बाद आगे चलते हैं, ये हमारा इसका रैचेट स्टॉप है। ये देखिए, अब जब भी हम दिखाते हैं इसको, जैसे हमने इसको आवाज़ करने लगता है, इसका मतलब हमारा जो इक्वली प्रेशर, हमारा जो माइक्रोमीटर हम किसी जॉब को मेजर करने के लिए हम जो प्रेशर लगाते हैं वो इक्वल प्रेशर लगाता है, इसको बोलते हैं रैचेट स्टॉप। तो जिससे कि हमारे ज़्यादा प्रेशर लगाने से हमारे माइक्रोमीटर की रीडिंग में कुछ ना कुछ एरर आ सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसलिए इक्वल प्रेशर लगाएं, उसके लिए हम रैचेट स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, ये तो था इसके पार्ट्स के बारे में। अभी हम इसको बताते हैं इसका सिद्धांत क्या होता है, ये किस सिद्धांत पर काम करता है। माइक्रोमीटर का सिद्धांत होता है नट एंड बोल्ट, ये नट एंड बोल्ट के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। इसके बाद हम इसका बताते हैं कि ये हमारा जो है आउटसाइड माइक्रोमीटर है, हम इससे किसी भी जॉब को आउटसाइड डायमीटर हम चेक कर सकते हैं। और अगर हमें इससे ज़्यादा कोई दूसरा, ये 0 से 25 mm तक मेजर कर सकता है, अगर इससे ज़्यादा मेजर करना है तो हम इसे अधिक रेंज है यानी 25 से 50 की रेंज या 50 से 75 की रेंज का माइक्रोमीटर यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें ये हमारा आउटसाइड मेजर करता है, इसके बाद हम इनसाइड माइक मेजर करना है तो हम इनसाइड माइक्रोमीटर यूज़ कर सकते हैं, डेप्थ माइक्रोमीटर यूज़ कर सकते हैं, फ्लैंज माइक्रोमीटर यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट स्क्रू पिच माइक्रोमीटर यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग यूजेस हम माइक्रोमीटर अलग अलग तरह की डायमेंशन के लिए हम अलग अलग माइक्रोमीटर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम अभी अब दिखाते हैं आपको, ये जॉब हमने जो एक जॉब ले ली है उसको हम मेजर करके दिखाते हैं। ये मार्कर हमारा डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर चेक करना है, हम कैसे चेक करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं मेन स्केल पर हमारी क्या रीडिंग आ रही है। देखिए यहाँ से 5, 10, 11, 12, 13, 14 डिविजन्स हमारी मेन स्केल की। अभी देखिए सब स्केल की कितनी डिविजन्स हो गई, ये 14 के बाद 0.5, नीचे बताया था एक जो नीचे डिविजन्स का मान होता है 0.5, तो 0.5 हमारी यहाँ पर खुल गई है। तो टोटल रीडिंग हमारी मेन स्केल पर कितनी आ गई, 14.50। अभी देखते हैं सर्कुलर स्केल जो थ्रिम्बल होता है हमारा, उस पर कितना डिविजन्स है, उस पर देखते हैं 42 डिविजन्स, यानी सर्कुलर स्केल है उस पर हमारी 42 डिविजन्स पर मिल रही है। तो टोटल रीडिंग हमारी क्या हुई, 14.50 यहाँ पर थी और 42 रीडिंग्स हमारी यहाँ पर आ गई, तो टोटल हमारा हो जाएगा 14.92। तो ये हमारी टोटल रीडिंग हुई, इस तरह से हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका हम अभी आपको बोर्ड की
बोर्ड पर दिखाएंगे कि इसका लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है। तो अभी हम देखते हैं इसका लीस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, लीस्ट काउंट ऑफ द माइक्रोमीटर कैसे निकालते हैं। लीस्ट काउंट इसका फार्मूला होता है वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यानी मेन स्केल की एक डिवीजन का मान, या फिर पिच या स्लीप जो भी है हमारे, उसकी एक डिवीजन का मिनिमम डिवीजन हमारा जो उसका मान कितना होता है वो हमें ऊपर लेना है। तो नीचे दिखने दिया नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल और थिम्बल, जो हमारा सर्कुलर स्केल है और जिसको हम थिम्बल बोलते हैं, सर्कुलर स्केल थिम्बल एक ही होता है, तो उस पर हमारी कितनी डिविजन्स करनी होती है वो हमें मैंशन करनी है। तो देखते हैं नीचे हमारा जो ऊपर तो जो हमारा वैल्यू ऑफ वन डिविजन ऑफ मेन स्केल की कितना होता है 0.50, सबसे कम डिविजन जो होती है हमारी वो 0.5 यानी आधे एमएम के बराबर होती है। और नीचे हमारा जो सर्कुलर स्केल जो थिम्बल होता है उस पर हमारे 50 डिविजन करनी होती है। तो अभी हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो हमारा सॉल्व करेंगे तो कितना 0.01 मिलीमीटर आ जाएगा, जो कि हमारा लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट। उसके बाद हमारा जो 0.01 मिलीमीटर आया ये हमारा कितने 10 माइक्रोन्स के बराबर होता है, और एक एमएम में हमारे कितने 1000 माइक्रोन्स होते हैं, एक एमएम में 1000 माइक्रोन्स। उसके बाद हम और देखते हैं तो 0.01 एमएम में हमारे कितने माइक्रोन्स होंगे, 100 माइक्रोन्स होंगे। तो इस तरह से दोस्तों माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट निकालते हैं हम, लीस्ट काउंट कैसे आया हम इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था हमारा माइक्रोमीटर के बारे में। आज माइक्रोमीटर से रिलेटेड जो भी हमारे डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेटेड वीडियोस। और अगर आपके कोई भी सुझाव हैं, अगर कोई कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।